उस अमराई में सावन के लगते ही झूला पड़ जाता और विजयदशमी तक पड़ा रहता। शाम सुबह तो बालक बालिकाएं और रात में अधिकतर युवतियां उस झूले की शोभा बढ़ाती। ये उन दिनों की बात है जब सत्याग्रह आंदोलन अपने पूर्ण विकास पर था। सारे भारतवर्ष में समराग्नि थदक रही थी। दमन का चक्र अपने पूर्ण वेग से चल रहा था। अखबारों में लाठीचार्ज, गोलीकांड, गिरफ्तारी और सजा की धूम के अतिरिक्त और कुछ रहता ही न था। इस गांव में भी सरकार के दमन का चक्र चल चुका था। कांग्रेस के सभापति और मंत्री पकड़कर जेल में बंद कर दिए गए थे। इस दिन राखी थी। बहनें अपने भाइयों को सदा इस अमराई में ही राखी बांधा करती थी। यहाँ सब लोग एकत्रित होकर त्योहार मनाया करते थे। बहनें भाइयों को पहले कुछ खिलाती, माला पहनाती, हाथ में नारियल देती और तिलक लगाकर हाथ में राखी बांधते हुए कहती, भाई इस राखी की लाज रखना, लड़ाई के मैदान में कभी पीठ ना दिखाना। एक तरफ तो राखी का चित्ताकर्षक दृश्य था, दूसरी ओर छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां झूले पर झूल रहे थे। इनके सुकुमार हृदयों में भी देश प्रेम के नन्हे नन्हे पौधे प्रस्फुटित हो रहे थे। बहादुरी के साथ देश के हित के लिए फांसी से लटक जाने में वे भी शायद गौरव समझते थे। पहले तो लड़कियां कजली गा रही थी, एकाएक छोटा बालक गा उठा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। फिर क्या था, सब बच्चे कजली बजली तो गए भूल और लगे चिल्लाने, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी खबर ठाकुर साहब के पास पहुंची। अमराई उन्हीं की थी। अभी 3 ही महीने पहले वे राय साहब हुए थे। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट वो थे ही और थे सरकार के बड़े भारी खैर ख्वाह। जब उन्होंने सुना कि अमराई तो असहयोगियों का अड्डा बन गई है, प्राय इस प्रकार वहाँ रोज ही होता है, तो वे बड़े घबराए। फौरन घोड़ा कसवाकर अमराई की ओर चल पड़े। किंतु उनके पहुँचने से पहले ही वहाँ पुलिस भी पहुँच चुकी थी। ठाकुर साहब को देखते ही दरोगा नियामत अली ने बिगड़ कर कहा, ठाकुर साहब आपसे तो हमें ऐसी उम्मीद ना थी, मालूम होता है कि आप भी उन्हीं में से हैं, यह सब आपकी ही तबीयत से हो रहा है, लेकिन इससे अमन में खलल पड़ने का खतरा है, आप 5 मिनट के अंदर ही यह सब मजमा यहाँ से हटवा दीजिए, वरना हमें मजबूर होकर लाठियां चलवानी पड़ेंगी। ठाकुर साहब ने नम्रता से कहा, दरोगा जी जरा सब्र रखिए, मैं अभी यहाँ से सबको हटवाए देता हूँ, आपको लाठियां चलवाने की नौबत ही क्यों आएगी। नियामत अली का पारा 110 पर तो था ही, बोले, फिर भी मैं आपको पहले से आगाह कर देना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगे, नहीं तो मुझे मजबूरन लाठियां चलवानी ही पड़ेंगी। ठाकुर साहब ने घोड़े से उतरकर अमराई में पैर रखा ही था कि उनका 7 साल का नाती विजय हाथ में लकड़ी की तलवार लिए हुए आकर सामने खड़ा हो गया। ठाकुर साहब को संबोधन करके बोला, दादा देखो मेरे पास भी तलवार है, मैं भी बहादुर बनूंगा। इतने ही में उसकी बड़ी बहन कांति, जिसकी उम्र करीब 9 साल की थी, धानी रंग की साड़ी पहने आकर ठाकुर साहब से बोली, दादा ये विजय लकड़ी की तलवार लेकर बड़े बहादुर बनने चले हैं, मैं तो दादा स्वराज का काम करूंगी और चरखा चला चला कर देश को आजाद कर दूंगी, फिर दादा बतलाओ मैं बहादुर बनूंगी कि ये लकड़ी की तलवार वाले। विजय की तलवार का पहला वार कांति पर ही हुआ। उसने कांति की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, देख लेना किसी दिन फांसी पर ना लटक जाऊं तो कहना, लकड़ी की तलवार है तो क्या हुआ, मारा कि नहीं तुम्हें। बच्चों की इन बातों में ठाकुर साहब क्षण भर के लिए अपने आप को भूल से गए। उधर 10 मिनट से 11 होते ही दरोगा नियामत अली ने अपने जवानों को लाठियां चलाने का हुक्म दे दिया। देखते ही देखते अमराई में लाठियां बरसने लगी। आज अमराई में ठाकुर साहब के भी घर की स्त्रियां और बच्चे थे और गांव के भी प्राय सभी घरों की स्त्रियां, बच्चे और युवक त्योहार मनाने आए थे। उनकी थालियां राखी, नारियल, केसर, रोली, चंदन और फूल मालाओं से सजी हुई रखी थी। किंतु कुछ ही देर बाद जिन थालियों में रोली और चंदन था, खून से भर गई। जब पुलिस मजमे को तितर बितर करके चली गई तो देखा गया कि घायलों की संख्या करीब 30 की थी।
जिनमें अधिकतर बच्चे, कुछ स्त्रियां और 8-7 युवक थे। विजय को सबसे ज्यादा चोट आई थी। चोट तो कांति को भी थी, किंतु विजय से कम। ठाकुर साहब का तो परिवार का परिवार ही घायल था। घायलों को उनके घर पहुंचाया गया और अमराई में पुलिस का पहरा बैठ गया। विजय की चोट गहरी थी, दशा बिगड़ती जा रही थी। जिस समय वो अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था, उसी समय कोर्ट से ठाकुर साहब के लिए सम्मन आया। उन्हें कोर्ट में ये पूछने के लिए बुलाया गया था कि उनका आम का बगीचा असहयोगियों का अड्डा कैसे और किसके हुक्म से बनाया गया। ठाकुर साहब भी ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी का इस्तीफा, राय साहिबी का त्याग पत्र जेब में लिए हुए कोर्ट पहुंचे। उनका बयान इस प्रकार था, मेरा बगीचा असहयोगियों का अड्डा कभी नहीं रहा है, क्योंकि मैं अभी तक सरकार का बड़ा भारी खैरख्वाह रहा हूँ। मुझे सरकार की नीति पर विश्वास था और अपने घर में बैठा हुआ मैं अखबारी दुनिया का विश्वास कम करता था। मुझे यकीन ही ना आता था कि न्याय की आड़ में सरकार निरीह बालक, स्त्रियों और पुरुषों पर कैसे लाठियां चलवा सकती है। परंतु आज तो सारा भेद मेरी आंखों के ही सामने विषैले अक्षरों में लिखा गया है। मुझे तो ये विश्वास हो गया है कि इस शासन विधान में जो प्रजा के हितकर नहीं है, अवश्य परिवर्तन होना चाहिए। हर एक हिंदुस्तानी का धर्म है कि वो शासन सुधार के काम में पूरा पूरा सहयोग दे। मैं भी अपना धर्म पालन करने के लिए विवश हूँ और यह मेरी राय साहिबी और ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी का त्याग पत्र है। ठाकुर साहब तुरंत कोर्ट से बाहर हो गए। दूसरे दिन से उस अमराई में रोज ही कुछ आदमी राष्ट्रीय गाने गाते हुए गिरफ्तार होते और 60 साल के बूढ़े ठाकुर साहब को सरकार के इतने दिन की खैर ख्वाही के पुरस्कार स्वरूप 6 महीने की सख्त सजा और 500 रुपये का जुर्माना हुआ। जुर्माने में उनकी अमराई नीलाम कर ली गई। जहां हर साल बरसात में बच्चे झूला झूलते थे, वहीं पर पुलिस के जवानों के रहने के लिए पुलिस चौकी बनने लगी।